बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। बस आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा, सेकंड भी देखा, उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर। यूनिट हमारा कौन सा है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बस पहले भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों जरूरी है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड फॉर द कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल्स में हमने देखा था, और इसमें मीडियम क्या था? ब्लड था। और इस सिस्टम को हमने सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया था। इसमें हमने जो है वो डिटेल से ये बात डिस्कस की थी कि किस तरह से फूड और ऑक्सीजन सेल्स में जाता है और सेल्स का वेस्ट जो है वो कलेक्ट होता है। Now we are going to discuss the transport system in plant. अब हम plant के transport system को discuss करेंगे। जिस तरह से animals में cell को food चाहिए होता है, oxygen चाहिए होती है, cell का waste collect होना होता है, इसी तरह से plant के अंदर भी transport system यही काम क्या करता है। It involves in the transportation of water, minerals and food. यानी ये system plant में क्या कर रहा है? ये वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही है? वाटर आ रहे हैं, मिनरल है और फूड। लेट्स मूव टू द पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। सबसे पहले हम सबको पता है कि रूट्स क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वाटर और मिनरल्स। ठीक है, और लीव्स एंड अदर पार्ट को दे देती हैं। अब ये रूट में कौन सा पार्ट है, कौन सा रीजन है? रूट हेयर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। रूट हेयर आपने जो है वो प्रेमेशिप में डिटेल से पढ़ा था। आइए देख लेते हैं इसकी मैग्नीफाइड डायग्राम के जो है ये आपको एक प्लांट सेल नजर आ रहा है और इसी से इलांगेटेड पार्ट निकल रहा है जिसको रूट हेयर कहा गया है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे रूट्स में बहुत सारे छोटे छोटे रूट हेयर्स होती हैं और कम कम डिस्टेंस से वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रूट हेयर्स मौजूद होती हैं। और ये रूट हेयर्स कर क्या रही हैं? ये एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स को, और फिर क्या कर रही हैं? ये आगे पहुंचा रही हैं, ये सेल टू सेल ये वाटर मिनरल ट्रांसमिट होता है अंटिल ये वाटर और मिनरल कहाँ तक ना पहुँच जाए, ट्यूब्स तक ना पहुंच जाए, उन ट्यूब्स तक ना पहुंच जाए जो क्या कर रही है, वाटर मिनरल्स को लेके जा रही है लीव्स के पोर्शन में। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर एंड देन एंटर इनटू द रूट। रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करके रूट को दे रही है, फ्रॉम सेल टू सेल इट ट्रांसमिट एंड मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या? रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये वाटर और मिनरल्स कर क्या रहे हैं इनको भी देख लेते हैं, हम ये काम भी देख लेते हैं। सबसे पहले वाटर को देखते हैं कि वाटर मूव करता है और कहाँ पहुँचता है? लीव्स में। आप सबको ये बात पता है और पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, लीव्स में फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, प्लांट अपना फूड बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट का, जो कहाँ पर होता है? लीव्स में होता है। तो ये वाटर कहाँ पहुँचता है? लीव्स में, और कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटास के जरिए लीव में एंटर होती है, बोथ ऑफ देम कंबाइन, ये दोनों मिलते हैं, रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलरिंग मैटर विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके पास क्या होता है? ग्लूकोज एंड देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है जबकि ग्लूकोज फूड होता है प्लांट का, जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो अब ये वाटर गया लीव्स में और इसने क्या किया? इसने फूड मेक करवाया। ठीक है, विद द बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, ग्लूकोज बन गया और वो ग्लूकोज डिफरेंट एरियाज में, कहीं ग्रोथ में, ग्रोइंग द टिश्यूज, और कहीं स्टोरेज एरिया में चला जाता है। वाटर का इस्तेमाल समझ में आ गया। मिनरल्स क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। मिनरल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड कॉम्प्लेक्स केमिकल। अब वाटर के साथ डिसॉल्व मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो प्रोटीन्स बनवाते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स केमिकल्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब ये सारे प्रोडक्ट, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे
complex chemical. Now these are the end product is transported to the other part where they may be stored and used in the growth of other tissues. अब ये सारे जो एंड प्रोडक्ट बने हैं इनमें ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, कॉम्प्लेक्स केमिकल हो गया, ये डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं और कुछ जो है कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं ग्रोथ में टिश्यूज की और कुछ स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, अब ये आपने देखा कि वाटर, मिनरल और जो है वो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, तो कौन सा ऐसा सेटअप है प्लांट के अंदर, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए जो है ये वाटर और मिनरल ईजिली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है जहाँ इसकी ज़रूरत है. देख लेते हैं, सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट इज कॉल्ड अ वेस्क्युलर सिस्टम इन प्लांट. ठीक है, इसको वेस्क्युलर सिस्टम कहा जाता है प्लांट का. इन दिस सिस्टम सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर पार्ट थ्रू अ सिस्टम ऑफ अ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड वेस्क्युलर टिश्यूज. अच्छा, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, और इसमें जो ट्यूब्स इन्वॉल्व होती हैं. अच्छा, आपने वहाँ पर क्या पढ़ा था, आर्टरीज और वेन्स को पढ़ा था. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो क्या कर रही हैं, यूजफुल सब्सटेंस लेके जा रही हैं, वेस्ट को कलेक्ट कर रही हैं. यहाँ पर भी ट्यूब्स ही हैं, छोटी छोटी पतली पतली नैरो ट्यूब्स हैं और इन ट्यूब्स को हम वेस्क्युलर टिश्यूज कहते हैं. ठीक है, अब ये वेस्क्युलर टिश्यूज दो तरह की होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, दे आर टू पाइप्स, टू डिफरेंट टिश्यूज विच इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लाइक वाटर, मिनरल, फूड, एंड दे आर टू टाइप ऑफ वेस्क्युलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम. अब नाम डिफरेंट है तो यकीनन काम भी इनके डिफरेंट होंगे. ठीक है, देख लेते हैं जाइलम होती कैसी है. जाइलम जो है वो देख लें डेड सेल की बनी हुई ट्यूब होती है, पाइप होती है. ठीक है, ये पाइप है, आपको पाइप जैसा नजर आया. जाइलम वेसल्स, वेसल्स भी नालियों को या ट्यूब को कहते हैं. ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है, वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, फ्रॉम रूट टू द लीव्स, रूट से लेती हैं और लीव्स को दे देती हैं. ये वैसे ही पाइप होती है जैसे कि हमारे घरों में पानी आता है ना, जैसे कि सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे पानी खत्म हो जाए तो क्या करते हैं, तो मोटर से पानी चढ़ाते हैं तो पाइप लाइन होती है जो ऊपर लेके जाती है, फिर टैप्स में पानी आता है, नलों में पानी आता है. तो इसी तरह से जाइलम वेसल्स या जाइलम ट्यूब्स ऐसी नालियाँ होती हैं, ऐसे पाइप्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को फ्लो कराते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ वाटर मिनरल को लेके जाते हैं और लीव्स को दे देते हैं. ठीक है, ये डेड सेल के बने हुए होते हैं, इन सेल्स के दरमियान कोई एंडिंग नहीं होती, आप देख रहे हैं कंटिन्यूएशन है. ठीक है, और वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो समटाइम्स इन टॉल प्लांट इनकी जो लेंथ होती है 30 मीटर लॉन्ग तक चली जाती है, हार्ड होती है और जो वुडी होती है और खास स्केलेटन प्रोवाइड करती है किसको, प्लांट को. ठीक है, देख लेते हैं जाइलम टिश्यूज मेड अप ऑफ जाइलम वेसल्स. ये जाइलम टिश्यूज जाइलम वेसल्स के बने हुए होते हैं एंड इन टॉल प्लांट जाइलम वेसल्स मे बी 30 मीटर लॉन्ग, यानी इतनी ज़्यादा इन पाइप्स की लंबाई होती है कि बड़े बड़े जो आप दरख्त देखते हैं ना, जैसे कि आपने नारियल का देखा, इसी तरह से मुख्तलिफ दरख्त होते हैं जो ट्रीज होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, तो उन सब में खजूर के भी जो होते हैं पेड़ जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उन सब में जो होता क्या है कि ये कितनी होती है, यानी टॉल प्लांट्स की बात हो रही है, 30 मीटर लॉन्ग होती हैं, 30 मीटर इनकी लेंथ चली जाती है. ठीक है, जाइलम फॉर्म द हार्ड वुडी स्केलेटन ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये हार्ड होती है, डेड सेल की बनी होती है, तो प्लांट पर खास स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, नाउ मूव टू द फ्लोएम. फ्लोएम याद रखिएगा पीएच, फ्लो, फ्लो से याद रखिएगा, ये फूड लेके जाती है. साउंड से याद रखिएगा, फ्लोएम साउंड आ रही है तो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है फूड की, और जाइलम किसकी ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, वाटर एंड मिनरल्स की. ये भी वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होते हैं, ये सीव ट्यूब कहलाती हैं. देखिए आप इनके दरमियान बारीक बारीक पोर्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, इनकी एंडिंग में आपको क्या आ रहा है, छोटे छोटे से सुराख नजर आ रहे हैं, छन्नी जैसे. ठीक है, तो इनको हम सीव ट्यूब कहते हैं. ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है, लिविंग सेल की बनी हुई होती है. ठीक है, वो डेड सेल की बनी है, ये किसकी है, लिविंग सेल की. इन सेल के एंडिंग में आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, इसी वजह से हम इस ट्यूब को, फ्लोएम ट्यूब को सीव ट्यूब भी कहते हैं. ठीक है, अब होता क्या है, इनमें किसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, इनमें फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है. जो फूड लीव में बन जाता है वो कहाँ कहाँ जाना होता है, फ्रूट में भी जाता है, सीड में भी जाता है, रूट्स में भी जाता है, डिफरेंट ग्रोइंग रीजन्स में भी जाता है. तो
ये एरोज मेंशन क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ की मूवमेंट को, अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी। याद रखें ये लिविंग सेल की बनी होती है, इन सेल की एंडिंग होती है, इन सेल की एंडिंग में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इसी वजह से इनको सीव ट्यूब भी कहा जाता है। एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज एरिया सच एज रूट फ्रूट सीड एंड टू द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम टिश्यूज इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल, द क्रॉस वॉल बिटवीन द सेल्स आर परफोरेटेड लाइक अ सीव, सो फ्लोएम ट्यूब्स आर ऑल्सो कॉल्ड सीव ट्यूब। देखिए इनकी जो एंडिंग वॉल है हर सेल की, उसके दरमियान आपको क्या नजर आ रहा है, पोर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और इस वजह से इसको क्या कहा गया है, सीव ट्यूब भी कहा जाता है फ्लोएम को, ठीक है जी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, जिसको हमने क्या कहा है, वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट भी कहा है, ये हमने डिटेल से पढ़ा। इसमें हमने वाटर की, मिनरल्स की और फूड की ट्रांसपोर्टेशन देखी, वो एजेंट्स देखे जो क्या कर रहे हैं, वाटर मिनरल और फूड को एक जगह से दूसरी जगह प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जा रहे हैं। और ये बात भी डिस्कस की कि यहाँ पर क्या मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, वाटर। वाटर क्या कर रहा है, वाटर ही ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है फूड की, मिनरल्स की, ठीक है। तो मीडियम याद रखिएगा, वहाँ ब्लड था और यहाँ पर क्या है, वाटर। उम्मीद है गाइस आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द होमवर्क। जी गाइस होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क क्या है, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 4 करना है और 9 का ए बी सी करना है एंड लर्न इट फ्रॉम यूनिट 3। नाउ मूव टू द बुक, बुक पे देख लें क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 9 का ए बी सी क्या है। क्वेश्चन 4 आपके पास है गाइस, देख लीजिए ये रहा। वॉट इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना है इन फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में कौन सा मीडियम है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, अभी हमने डिस्कस किया है इन मैमल्स, ठीक है। यानी आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें कौन सी चीज़ है जो मीडियम प्रोवाइड कर रही है या मीडियम के तौर पर वर्क कर रही है और ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, ठीक है। और से पढ़िएगा, वन वर्ड आंसर है, खुद से आंसर दीजिएगा, ठीक है। एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 का ए बी सी करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन, इसको आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, अभी आपने इसको डिस्कस किया है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, रेस्पायरेशन आपने लास्ट टर्म डिस्कस किया था डिटेल में, ठीक है। आपकी जो है आसानी के लिए मैं बता रही हूँ टॉपिक्स आपको कहाँ मिलेंगे। मूव टू द पेज नंबर 22 को रीड कीजिएगा प्रॉपरली, इस पूरे पेज को। इसमें आपको वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट में जाइलम फ्लोएम और सारी डिटेल मिलेगी, फोटोसिंथेसिस के बारे में मिलेगी, अभी हमने डिस्कस भी किया है, इसको भी रीड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक ये टॉपिक आ रहा है, साथ ही साथ आपको आर्टरीज वेंस के लिए एक बार अगेन आपको ये वाले दो पेजेस रीड करने होंगे 20 एंड 21, ठीक है। डू बाय योरसेल्फ, कोशिश कीजिएगा, सेकेंड टर्म है क्लास 7 का, ठीक है। तो अपने आप को जो है वो इस काबिल करें कि आप इंशाल्लाह 8 में आए तो हर चीज़ खुद से कर सकें, ठीक है। ओके गर्ल्स, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।